दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। बिहार में इन दिनों चुनाव के दरमियान सत्ताधारी जो गठबंधन है उसके खिलाफ जो एक जनाक्रोश है, जनभावना है, जिसको अंग्रेजी में एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, उसको काउंटर करने के लिए, उसका एक तरह से उसको रोकने के लिए सत्ताधारी दल या गठबंधन जितनी कोशिश कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा बड़ी कोशिश प्रौद्योगिकी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, नए तौर तरीकों के माध्यम से बड़े स्तर पर, एक जैसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसके जरिए हो रहा है। उसमें एक जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो है ऑपरेशन टीवीपुरम। अब आप कहेंगे कि ऑपरेशन टीवीपुरम क्या है? ये ऑपरेशन टीवीपुरम पिछले 2-3 दिनों से अचानक बहुत एक्टिव हो गया है और जैसे जैसे अपोजिशन के नेताओं की जनसभाओं में, चुनाव रैलियों में अपार भीड़ उमड़ रही है और बगैर लोगों को ट्रकों या बसों से लाए हुए लोग यूं ही इन्वॉल्व होकर के और सामने आ रहे हैं। यहां तक कि सिर्फ बड़े नेताओं नहीं, कार्यकर्ताओं की भी छोटी छोटी जो रैलियां हो रही हैं उनमें भी बहुत भीड़ हो रही है, और जबकि सत्ताधारी दल के जो नेता हैं उनकी रैलियों में उतनी भीड़ नहीं हो रही है। कई जगह उनको लोग उनसे सवाल कर रहे हैं और वो बौखला करके, यहां तक कि इस कदर बौखलाहट उनकी बढ़ रही है कि वो अपोजिशन के जो नेता बड़े लोग हैं, खासकर महागठबंधन को लीड करने वाले नेता युवा तेजस्वी, उनके खिलाफ भी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं बड़े बड़े नेता जिनकी उम्र उनके पिता के बराबर है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, इस पूरे माहौल में जो ऑपरेशन टीवीपुरम है वो कई तरह के प्रोजेक्ट चला रहा है। उसमें एक प्रोजेक्ट है कि सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं के घंटे घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे के इंटरव्यू के जरिए लगातार, अब तेजस्वी तो बिल्कुल नए हैं, उन्होंने तो कभी मुख्यमंत्री पद संभाला नहीं, तो उनके पिता जो 30 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे, उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या बिहार के साथ गड़बड़ी हुई थी उसका पूरा का पूरा फेरिश्त गिराई जा रही है, और उस फेरिश्त में जितना सच है उसका 20 गुना झूठ है। मैं झूठ इसलिए कह रहा हूं कि जो सज्जन, जो नेता ये फेरिश्त गिना रहे हैं और जो टीवी चैनल की पत्रकार पत्रकारी ने जो उनको इंटरव्यू कर रहे हैं, वो उनमें कई ऐसे हैं जिन्होंने उस दौर के बिहार को देखा ही नहीं, और अगर देखा तो या तो वो बहुत छोटे रहे होंगे, स्कूल में रहे होंगे, और जो नेता इस तरह की बात कर रहे हैं वो दूसरे सूबों में रहे होंगे। लेकिन हम जैसे लोग तो उन दिनों भी बिहार में पत्रकारिता करते थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बड़ा महान युग था, उस युग की, उस दौर की बहुत सारी गड़बड़ियां थी जिनको हम लोगों ने अपनी पत्रकारिता के दौर में अखबारों के जरिए, अपनी किताबों के जरिए, अपने 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 रिव्यूज के जरिए हमने सामने लाने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ा था, लेकिन जो चीजें गिनाई जा रही हैं वो इतनी हास्यास्पद हैं जिनके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है। अब सवाल इस बात का है कि 30 साल पहले, 25 साल पहले बिहार की बात आप कर रहे हैं, लेकिन 5 साल पहले के बिहार की बात आप नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे हैं कि पिछले 10-11 सालों में बिहार की क्या स्थिति हुई है। और दूसरी बात, ये टीवीपुरम का जो प्रोजेक्ट का दूसरा जो हिस्सा है इंटरव्यू के अलावा, एक तरफा इंटरव्यू, अपोजिशन नेताओं के एक एक घंटे के इंटरव्यू नहीं आ रहे हैं, सिर्फ सत्ताधारी नेताओं के, और वो भी तेज कहे जाने वाले बड़े चैनलों पर जिनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा सर्वेक्षण आ रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, और इन ओपिनियन पोल में एक तरफा 140, 145, 143 सीटें सिर्फ एक ही सत्ताधारी गठबंधन के लिए ऐसा लगता है कि सुनिश्चित कर दी गई है। बहुत कम संख्या वाले सैंपल सर्वे में ये सारे नतीजे निकाले जा रहे हैं। तो काफी दिलचस्प है टीवीपुरम का ये प्रोजेक्ट। जब मैं टीवीपुरम के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं कि किस तरह के प्रोजेक्ट वो ले रहा है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे जब भी टेलीविजन चैनलों के जरिए या मीडिया के जरिए या सियासत में जो बहुत मजबूत पार्टियां हैं या जिनके पास बड़ी बड़ी आईटी सेल हैं, वो
10 बार 20 बार 50 बार अगर कोई झूठी बात भी कहती हैं तो आम लोगों में सच के रूप में ले लिया जाता है, ऐसा लगता है कि वही सच है। अब जैसे मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल पर, एक बड़े चैनल पर एक बहुत बड़े नेता का इंटरव्यू आ रहा है, वो कह रहे हैं कि साहब 6 बजे के बाद तो उस राज में आज से 25-30 साल पहले बिल्कुल सूनी पड़ जाती थी, सड़कें बंद हो जाते थे, बाजार कोई चलता नहीं था। अब कौन बताए कि उस दौर में मैं नवभारत टाइम्स पटना का एक पत्रकार था और रात को 2-2 बजे हम लोग घर आते थे क्योंकि अखबार में आमतौर पर काम खत्म करने में देर हो जाती थी और उन दिनों हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, हम लोगों को स्कूटर से आना पड़ता था या कई बार रिक्शा पकड़ते थे। तो बिहार में उस वक्त भी घटनाएं होती थी, ऐसा नहीं है कि अपराध बिल्कुल मुक्त हो गया था, अपराध होते थे, बहुत सारी गड़बड़ियां भी थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब 6 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, ये तो हमने कभी नहीं देखा। और जो लोग इंटरव्यू कर रहे हैं पता नहीं उन्होंने उस समय वो बिहार में थे कि नहीं थे कि वो सच बोलते, कम से कम इंटरव्यू देने वाले राजनेता को काउंटर करते। तो ऐसा लगता है कि नेता जो भी बोल दे, जो उसको मन में आए वो बोले और पत्रकार मान लेता है, काउंटर क्वेश्चन नहीं करता। काउंटर क्वेश्चन वो कब करता है जब कोई दलित आदिवासी पिछड़ा अपोजिशन का कोई नेता अगर वो बोल रहा हो तब वो काउंटर करता है। ये कमाल का मीडिया है। दूसरी बात सर्वेक्षणों का, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, कोई ओपिनियन पोल नहीं है जो मौजूदा सत्ताधारी दल को या गठबंधन को बहुमत नहीं दे रहा है। जो मौजूदा माहौल है उस पर रिपोर्टिंग टेलीविजन चैनल नहीं कर रहे हैं, उनका सारा जोर ओपिनियन पोल पर है और ओपिनियन पोल के जरिए वो कुल मिलाकर के एक ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता ये समझे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो एक ये भी टीवी पुरम के मौजूदा ऑपरेशन का एक दिलचस्प प्रोजेक्ट है जो मैंने कहा ओपिनियन को क्रिएट करना। तीसरी बात जो मैं बहुत संक्षेप में करना चाहूंगा, जब मैंने आपसे कहा कि अगर किसी झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है, एक छोटा उदाहरण है। एक पटना में एक बहुत मशहूर इतिहासकार रहती थी जो देश की जानी मानी इतिहासकार थी, प्रोफेसर पापिया घोष। प्रोफेसर पापिया घोष की नृशंस हत्या पटना में हो गई, इसको लेकर अखबारों में बहुत खबरें छपी, टेलीविजन में भी आया, खासकर रीजनल चैनल्स पर। देश के जाने माने इतिहासकार, लिबरल प्रोग्रेसिव फेस जिनका है, उनका नाम है रामचंद्र गुहा, उन्होंने अपनी दोस्त इतिहासकार पापिया घोष की नृशंस हत्या पर लंबा लेख लिखा, सिंडिकेटेड कॉलम में भी लिखा, टेलीग्राफ और हिंदुस्तान अखबार में एक ही दिन लेख छपा। और दिलचस्प बात यह है कि 2015 के विधानसभा चुनाव के एन पहले छपा और उसमें उन्होंने कहा कि पापिया घोष जैसी महान इतिहासकार की नृशंस हत्या राबड़ी लालू राज में हुई, इसलिए उनका नतीजा था कि बिहार के लिए सबसे अच्छी सरकार नीतीश कुमार और सुशील मोदी का गठबंधन ही दे सकता है। इसलिए नतीजा व्याख्या निष्कर्ष उनका था कि लालू और नीतीश के बीच में गठबंधन 2015 में नहीं होना चाहिए, लेकिन नीतीश और लालू में गठबंधन हो गया, इससे जाहिर है वो नाराज भी रहे होंगे रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा को यह मालूम ही नहीं था कि 2006 में लालू और राबड़ी का राज नहीं था, वो स्वर्ण काल था जिसकी बात वो कर रहे हैं कि सबसे अच्छा आदर्श राज्य जो था वो सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी का राज। तो पापिया घोष की नृशंस हत्या नीतीश कुमार सुशील मोदी के राज में हुई, लेकिन इतिहासकार रामचंद्र गुहा उसको लालू राबड़ी राज की नृशंस हत्या बताकर और पेंट कर रहे उसी तरह से कि वो जंगल राज था और ये स्वर्ण काल होगा। तो अब इतना बड़ा झूठ जो मीडिया में बार बार स्थापित कर दिया गया कि जंगल राज का मतलब उत्तर प्रदेश का कोई दूसरा राज नहीं, गुजरात का कोई दूसरा राज्य नहीं, मध्य प्रदेश का कोई दूसरा राज्य नहीं, जंगल राज का मतलब सिर्फ बिहार का लालू राज राबड़ी राज। तो ये जो एक धारणा बना दी गई, कैसे एक बड़ा इतिहासकार भी उससे प्रभावित हो जाता है और वो अपने फैक्ट्स तक चेक नहीं करता कि 2006 में किसका राज था। ठीक उसी तरह से आज हमारे बहुत सारे व्याख्याकार, बहुत सारे पत्रकार, इतिहासकार तो बहुत बड़ी चीज होती है और तो फैक्ट्स को लेकर चलता है, लेकिन पत्रकार तो जल्दबाजी में इतिहास लिखता है। आज जिस तरह से इतिहास लिखा जा रहा है इस चुनाव का, मैं समझता हूं कि वो या तो ओपिनियन क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है या झूठ को सच के रूप में स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों आज की हमारी पेशकश बस इतनी ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.